आई भारत माता तुम सुखदाता विख्याता नाम तुम्हारी और मैं गुड़ गाऊं तुम्हें मनाऊं शीश झुकाऊं के बारंबारी महारानी तुम सुखदानी मानी सब देशन निज आरी और गुलशन के सिट के माध्यम से गुर सुरजन को शीशन बाई पैने हो और दिलाई टावा ग्राम से पै में क्या पैसे लहे अब तारी पांडव जन में हसनापुर में तो दुश्मन को मारी भजाए चई जन में क्रम से पई में इनकी हो रही जय जयकार रतन अबे मुलायम शिवपाल राजपाल जी रहे कहलाए यादवों में यादव वंश में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के जीवन के बारे में लेकर के चल रहे हैं गुलशन कैसेट कंपनी के सौजन से परम पूज्य गुरुदेव सुरजन चेतन जी के आशीर्वाद से जिस तरीके से पांच पांडवों ने हसनापुर में जन्म लिया उसी तरीके से जिला इटावा ग्राम सहपई में आकर के इन पांच भाइयों ने जन्म लिया जिनके नाम है रतन यादव अभय राम यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के बड़े भाई हैं शिवपाल और राजपाल यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं और आप लोग तो ये भी जानते हैं उनके चचेरे भाई राम गोपाल यादव तो आइए देखते हैं कौन कौन बहादुरों ने जन्म लिया यादव की जीवन गाथा भ्राता तुमको के रहे सुनाई
तरीके से इन बहादुरों ने ग्राम सहबई में आकर के जन्म लिया। दोस्तों ऐसा ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री यादव, उन्होंने जन्म ग्राम सहभई में जब लिया है दोस्तों, त्रेता में श्री रामचंद्र भये, द्वापुर में श्री कृष्ण मुरारी, कलयुग में अकले सुपधारे, सहभई गांव धरे अवतारी। भैया अरे शनि 1973 में हो अरे शनि 1973 में पैदा भय अखिलेश कुम्हारी, और छाई खुशी है कई के घर में खुशी बहुत सालों परिवार, सोई मालती मैया ने पालो अपनो इनको दूध पिलाए, और मुलायम सिंह यादव के बेटा जिनकी कथा में रहे सुनाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 में जब ग्राम सहफई में हुआ दोस्तों, और मालती मैया ने न पालो अपने पायन पीछ झुलाई, मुलायम सिंह यादव के बेटा उनकी कथा में रहे सुनाई, ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब इनने जन्म लिया है धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे हैं दोस्तों, और भाई अकेले से बड़बे लाई थी मुलायम सिंह दिल करे विचार, और शिक्षा दीक्षा के फिर कारण तो कॉलेज में नाम लिखाई, प्रथम शिक्षा इन्होंने दोस्तों कहां से पाई, और प्रथम शिक्षा के सेंट मेरी स्कूल इटावा में पढ़े दिखाई, कक्षा 3 के पास करके लयक लेख से पई बुलाई, करके अखिलेश यादव जी जब सहपई में पहुंचे हैं दोस्तों, हुआ ऐसा के कॉलेज अंग्रेजी टावा हो होशियारी के यार पढ़वे नमी पढ़ी गौ बच्चन में बीवार, और सुंदर सूरत के मोहनी मूरत गई है सबके के दिल में समाई, के कॉलेज अंग्रेजी जो इटावा में पढ़ता है वहां जाकर के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश का नाम लिखाया दोस्तों,
सबसे पहले इनके नाम था टीपू उर्फ अखिलेश यादव जी। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले गए दोस्तों, ऐसा ही नहीं रवि भैया। अरे 1900 के हाय त्रासी में बेटा लोहे के संग लगाई मिलिट्री स्कूल के दौलतपुर में राजस्थान में पढ़े दिखाई के पास करके 1990 पहुंची आई 1990 में हाई स्कूल के दिल में आए कई अधिक विचारी मिलिट्री स्कूल धौलपुर में जो राजस्थान में पढ़ता है, उन्होंने जब हाई स्कूल किया दोस्तों, धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। अरे मसूर जाने की इच्छा हुई गई 1991 पहुंची आई जय श्याम के राजेंद्र कॉलेज इंजीनियर को कोर्स कर हो अब जाई याद रहे दोस्तों जय श्याम राजेंद्र कॉलेज में जाकर के इन्होंने इंजीनियर का कोर्स किया। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले गए अपनी ऊंचाई को सूते चले गए दोस्तों, हुआ ऐसा लला बेटा शिवम अरे सारी पढ़ाई अखिलेश ने की नी कॉलेज में सबसे होशियार किसान मजदूरी के सवाई टाबा सर्दी के सट रहे भरवाई कोषाध्यक्ष सभा इटावा शरद यादव जी जो नंगला धन आते हैं वो कैसेट भरवा रहे हैं दोस्तों। इधर तो दोस्तों अखिलेश अपना व्यवहार बनाते चले गए, इधर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने क्या देखा अरे देख कुमारी उमरी अपने की मुलायम सिंह दिल करे बिचारी श्यानो लला के मेरो ही गौ देवे लला की कब हमारे डारे इटू भैया। इधर तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने देखा कि अखिलेश शादी के योग्य हैं, शादी करनी चाहिए। कर्नल रावत की पुत्री थी जिनका नाम था डिंपल, उनके साथ में जब उनका विवाह हुआ दोस्तों अरे चंपा के रावत माती नकी कर्नल रावत की सुकुमारी और डिंपल नाम सुहानो इनको उन संग गई के भामरे नवंबर 1999 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का विवाह हुआ। कर्नल रावत की पुत्री थी, उनके साथ में जब विवाह हुआ खुशी ही खुशी में समय व्यतीत हो रहा था दोस्तों। अरे जिला उपाय अध्यक्ष सरदी टावा सरदी के सटी रहे भरुआ
वर्णन करे शेर को, कातक वर्णन करे शेर को, मोटे कथा कही नहीं जाए। याद रहे दोस्तों, अखिलेश यादव की आगे बढ़ते चले गए, जनता के बीच में जाकर के इन्होंने व्यवहार बनाया। प्रथम जीत इन्होंने कौन से पाई, प्रथम पैर इन्होंने कहां से रखा दोस्तों? रवि भैया। और प्रथम जीत कन्नौज से पाई, जनता ने सांसद दहे बनाई, डिंपल सांसद कन्नौज से, जनता रही है के खुशी मनाई। प्रथम जीत इन्होंने कन्नौज से पाई, जनता के व्यवहार में अखिलेश यादव जी के दिल में इतनी जगह थी, जनता ने सांसद बना दिया दोस्तों, ऐसा ही नहीं। और मंजिल दर के मंजिल दर की आगे रहे के कदम बढ़ाई, अरे दिल नहीं चैन के रात नहीं दिया, दिन नहीं चैन के रात नहीं दिया, कैसी हुई है जे जे कारी। क्षेत्र के लोगों, जब आगे बढ़ते चले गए, जनता के दिल में अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा ही नहीं दिलीप लला। और मुलायम सिंह की आगे रहे के कदम बढ़ाई, और मुलायम यादव के जे तो बेटा उनकी कथा में रहे सुनाई। ऐसा ही नहीं टीटू भैया, और आज्ञा के लेकी निज बाबू लकी आगे रहे कदम बढ़ाई, सायता शिवपाल ने कीनी, राम गोपाल रहे साथ निभाई। इधर तो दोस्तों जनता के बीच में अखिलेश यादव जी अपने व्यवहार बनाते चले गए, इधर खुशी ही खुशी में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के घर में एक खुशी और हुई। कौन सी खुशी भैया रवि? तीन सुत जाए के इनके घर में, दो बिटिया पुत्र कहलाई, अतिथि तीना के दो बिटिया, अर्जुन बेटा अति छबदार। नहीं टीटू भैया, इनके घर में तीन बच्चों ने जन्म लिया, अतिथि और टीना दो बेटी थी, एक पुत्र हुआ, इनका नाम है अर्जुन यादव। खुशी ही खुशी में समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन उसी समय माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की मां मालती देवी का देहांत हो गया दोस्तों, गजब हो गया। और फिर किस्मत ने के पलटा खायो, महिया छोड़ी गई मजदारी, 25 मार्च के सन 3 में महिया छोड़ी गई संसारी। हिम्मत नाय हारी रे नारने,
कदम संभाले। उपाय अध्यक्ष सरदी क्या दब नंगला धना के रहे कहलाए। इधर तो दोस्तों मालती देवी का देहांत हो गया 25 मई 2003 में जब मालती देवी का देहांत हो गया, लेकिन नहर ने हिम्मत ना हारी, आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों जनता के बीच में जाकर के इन्होंने जब हकीकत सुनाई तो जनता के दिल में अखिलेश के अलावा उसके कोई दिल में जगह नहीं थी। दोस्तों और फिर मांगो भाई रे जनता की कन्नौज धरो के दवाई लो जाई। डिंपल सांसद कन्नौज से सन 12 के रवि के पहुंची आई। याद रहे लला शिवम 2012 में जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की मांग हुई हुआ या और पूर्व बहुमत सरकार बनाई सनवारा के पहुंची आई। शरद यादव के सपा पांटी में अपन रहे के फरज निभाए। और 25 मार्च के सन 12 में अगले से लीनी सरकार बनाई। 35 साल की उम्र अखिलेश ने मुख्यमंत्री पद संभालो जाए। पीटू भैया 2012 को पूर्व बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों 35 साल की उम्र में जब मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला गजब हो गया दोस्तों। मार्च 2012 को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व बहुमत से सरकार बनाई। अखिलेश यादव जी के कामकाज को देख करके जनता बड़ी खुश थी। जनता के दिल में अखिलेश यादव जी के अलावा किसी की जगह नहीं थी दोस्तों। इधर जब उन्होंने सरकार बनाई है गजब हो गया दोस्तों। अरे 25 मार्च सनवारा में नख लो धोरो दवाई लो जाए। अरे गांव गांव कस्बा कस्बा में गली गली दई धूम मचाई। सब ही उन्होंने निभाई।
पयुन नहीं बटवाए वे रोजगार कतियो गाए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, सरकार बनते ही उन्होंने जितने वादे किए वो वादे उन्होंने सबसे पहले किए। और ये जनता
माँ के दिल में अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे जितने गरीब थे मेरे भैया सबकी अपनी से मैं दही बनवाई, छोटी उम्र में गई इनने जग में, छोटी उम्र में गई इनने जग में, यूपी में दही पहचान कराई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जितने काम इनके थे वो सारे उन्होंने वादे किए, धीरे धीरे अखिलेश यादव जी जब आगे बढ़ते चले गए, ऐसा ही नहीं लला दिलीप। अरे कातन परण कर रसेन को मेरी औची वाला पेटा खाई, और सुंदर सूरत मोहनी मूरत गई है सबके दिल में समाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, गरीब मजदूर के ने हमेशा साथी रहे, और मन के सच्चे का दिल के पट्टे और दया के खुले भंडारी, कोई दुखी जो दिखे इनको लेते अपने दिल में बसाई। अगर इन्हें रास्ता में कोई दुखी चलता हुआ मिल गया, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने दिन से लगा लिया। दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री की यूपी में बहुत जरूरत है मेरे यार। अखिलेश यादव जी ने ये सारे वादे किए, 17 में उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए दोस्तों भूल मत जाना। अरे विधायक के सांसद और एमएलसी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए बनाई, तेरा जनवरी के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गए जाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, 17 में उन्होंने वादे किए हैं टीटू भैया। अरे 17 में सरकार बनाई दे कर्जा माफ के देवी कराई, 24 घंटा के बत्ती चली है दी है सबके काम बनाई। वादा किया है गांव 24 घंटा बत्ती चलने का, और भी वादे किए दोस्तों बड़े गौर से सुने। अरे सरकार मेरी जो बनती है तो इस पाइड होने के देवी गहाई, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर 17 में दी ही के हम गहाई। टीटू भैया भूल मत जाना, गरीब महिलाओं को लिए प्रेशर कुकर देने का वादा किया है। अरे महिलाओं के लिए करोड़ पेज भी तो आधा और महिलाओं के लिए जमी तो भैया अपनी जान कर ही निउछारी। और महिलाओं के
हम चलवाई। रवि भैया महिलाओं को लिए रोडवेज में आधा कराव देने का वादा किया है, और भी वादे किए, आगरा मेरठ और कानपुर में उन्होंने मेट्रो चलाने का वादा किया। दोस्तों करी तू भैया और मेहनत कौन गेहूं चावल देगी सरकार, बन जीरो के नायन जीरो महिलाओं को सम्मान देगी सरकार। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे उन्होंने वादे किए। मेरे यार भूल मत जाना और साइकिल की बटन दबा देना, और सीधे गरीब तेरे खाते में पेंशन डालेगी सरकार, 1.5 करोड़ आम लोगन का इलाज करे फ्री सरकार। सीधे गरीब के खातों में पेंशन डालने का वादा, 1.5 करोड़ आम लोगों का मुफ्त इलाज देने का उन्होंने वादा रखा है। दोस्तों दिलीप भैया ऐसी सरकार यूपी में बहुत जरूरी है, और 1000 मासिक पेंशन तो 1 करोड़ को देगी सरकार। शरदीय यादव के नंगला धना के सपा की कैसे रहे भरवाई, हजार मासिक पेंशन देने का वादा किया 1 करोड़ लोगों को। रवि भैया हमारा तो यही कहना है कि अब की बार अगर सरकार बना दी तो गरीबी दूर हो जाएगी बेटा शिवम, और गर्भवती महिलाओं के काजी थोड़ी अपेगी कहती है चला। अरे दिन दुखी की अकेले सुसाती, दिन दुखी अकेले सिकसाती, ऐसी ले वो सरकार बनाई। पीटू भैया भारत में बहुत जरूरत है, भैया ऐसे नेता की भारत में बहुत जरूरत है। याद रहे दोस्तों उन्होंने 17 में वादा किया है अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे जो काम वादे किए हैं वो निभा के छोड़ेंगे। इधर तो लला 17 की बात है लला शिवम, तब तक एक पत्नी अपने पति से कहती हुई बोली, महाराज कि सोना पिया हमारे हम पोलिंग पे जाए जाए भरतारी हम पोलिंग पे सुन पिया हमारी हम पोलिंग पे जाए जाए भरतार हम पोलिंग पे
सुनो लला दिलीप, अरे तिवरानी जिठानी सब ही जाय रही संग में हम जाइए। देवरानी जिठानी सब ही जाय रही संग में हम जाइए, और संग हमारे तुम तो चलियो साइकिल की बटन दबाए बूट डाले दो चार हम पोलिंग पे जाइए। गए भरतार हम पोलिंग पे ही भरतार हम पोलिंग पे भैया रवि पोलिंग पे कौन कौन आए रे तुम्हें मालूम ना है? अरे अंशुल तेज प्रताप भैया पोलिंग पे हुआ, अरे अंशुल तेज प्रताप भैया पोलिंग पे आए, और उपाय अध्यक्ष शरद यादव संग में पेऊ जाइए। वोट डाले दो चार हम पोलिंग पे जाइए, जाए भरतार हम पोलिंग पे भैया पोलिंग पे हुआ। लला शिवम महाराज अतित भैया धर्मेंद्र यादव पोलिंग पे हुआ, और अच्छे यादव वहां पे यही सबकी बात सुनाई। वोट डाले दो चार हम पोलिंग पे जाइए, जाए भरतार हम पोलिंग पे पोलिंग पे जाइए, जाइए भरतार हम पोलिंग पे ही लला दिलीप उमे का देख रहे तुम तो पोलिंग पे चले हो। अरे सरदी यादव नंगला धना के संग में बेऊ जाइए, अरे शरद यादव नंगला धना के संग में बेऊ जाइए। बेन भैया भूल मत जाइयो साइकिल दियो जिताई, वोट डाले दो चार हम पोलिंग पे जाइए, जाइए भरतार हम पोलिंग पे पत्नी कहती हुई कहने लगी, महाराज मैं पोलिंग पे जाऊंगी अखिलेश भैया को जिताऊंगी। दूसरी स्त्री कहने लगी, महाराज आप हमारे कहने पर एक काम कर दीजिए। कौन सा? तो बोली कि सैया इतना फर्ज निभाई दे साइकिल की बटन दबाई दे, साइकिल की बटन दबाई दे, साइकिल की बटन दबाई दे।
तोरे संग में अमाऊ जाऊंगी काई की लकी बटन दवाई दे जीतेंगे भाई जीतेंगे अगले से आदर जीतेंगे मोहर तुम्हारी कौन लगेगी साइकिल वाले खाने में बटन तुम्हारी कौन दबेगी साइकिल वाले खाने में जनता है राजी अकेले सुपे जनता है राजी पोलिंग पे धूम मचाऊंगी साइकिल की बटन दबाई दे साइकिल वाले खाने में बटन तुम्हारी कौन दबेगी साइकिल वाले
इधर तो तीसरी स्त्री ने ये सुना कि हम भी जाएंगे। पति से कहने लगी हमको भी साथ में ले चलो। पति कहने लगा गांव से पोलिंग तो काफी दूर पड़ती है, तुम कैसे जाओगी? तो कहने लगी सुनाओ मैं कैसे जाऊंगी कि सैया जी पोलिंग पे जाऊंगी, ओ सैया जी पोलिंग पे जाऊंगी और साइकिल मंगाई के सैया जी पोलिंग पे जाओगी, और कैसे पोलिंग पे जाओगी और गाड़ी मंगाई के सैया जी सैया जी सैया जी पोलिंग पे जाऊंगी जाऊंगी साइकिल मंगाई के सैया जी बोले।
ये तो कह रही थी, तब तक चौथी स्त्री ने ये सुना कि हमारी जितनी सहेली थी वो पोलिंग पे पहुंच गई। रवि भैया, चौथी स्त्री अपने पति से कहने लगी, महाराज आज हमें पोलिंग पे जरूर ले चलो, मैं अखिलेश भैया की साइकिल की बटन दबाऊंगी। और कहने लगी है वो, तेरे नपी नपी जोड़ू हाथी बलम मोई ले चलिए रे बोलिंग पे, तेरे नपी नपी जोड़ू हाथ बलम मोई ले चलिए रे बोलिंग पे, तेरे नपी नपी जोड़ू हाथ। कहने लगी है शरद भैया, तेरे नपी नपी जोड़ू हाथ बलम पे जोरू आ
नपी नपी जोड़ू हाथी बलम मोई भेजी।